नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, अपन लोग क्लाम बैच में बेसिक इलेक्ट्रिकल डील कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में अपन पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं केसीएल केवीएल के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक का इंतजार था, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होगा, सभी को वन बाय वन देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग ये बता दीजिए, मेरा वॉइस ऑडियबल है प्रॉपर वे में, सब कुछ ओके है क्या, एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सर। अशोका बैच प्री एंड मेंस दोनों के लिए, यस बिल्कुल है, पूरे मास्टर कोर्स है तो प्री के लिए है, मेंस के लिए, एसएससी के लिए है, सारे जितने भी एग्जाम उसमें मेंशन है ना, आप जाके देखो तो प्लानर एक बार, सब कुछ मेंशन है बेटा, आपको घबराने की नीड नहीं है। ओके डन है, एक बार जल्दी से बता दिए सभी लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो सर, प्रणाम आपका राठौर, बहुत बढ़िया, विक्रम सिंह राठौर बहुत बढ़िया, ओके विक्रम सिंह ठाकुर, ओके रेडी है क्या। गुड इवनिंग सभी को। सर मुझे केसीएल और केवीएल अच्छे से बताना प्लीज हिंदी में। बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी यार, डोंट वरी, बस पहले पढ़ाने तो दो, पढ़ा लेते हैं ना, फिर देखना जो भी डॉट होगा ना बिल्कुल बताना, अपन लोग उसको डील कर लेंगे। रेडी सभी लोग। तो आज का जो अपन टुडेज टारगेट में है, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, इसके बाद है किरचॉप्स करंट लॉ के बारे में जानने वाले हैं, फिर अपन जानेंगे वैलिडिटी ऑफ नेटवर्क और सर्किट, किसी भी नेटवर्क और सर्किट को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए उसमें, तब हम बोलेंगे ये सर्किट वैलिड है, ये नेटवर्क वैलिड है। और साथ ही साथ मैं ये पढ़ाऊंगा आपको जो करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कहीं पर अगर बोलेंगे करंट फ्लो करेगा तो इसके लिए कितना कंडीशन चाहिए, वहां पर क्या 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 चीज प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे, तभी जाके करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। डन सभी को। और लास्ट में अपन करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन, जैसा कि करते हैं जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन डिस्कशन होता है वो डेफिनेटली अपन लोग करते हैं। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या सर, अपने लोग किरचॉप्स लॉ के बारे में जानते हैं, किरचॉप्स साइंटिस्ट का नाम है, ग्रेट साइंटिस्ट थे अपने, और इनका दो लॉ दिए थे वो सर, कौन कौन सा लॉ सर, ये लिखा हुआ है प्यारे साइंटिस्ट का नाम, रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट का नाम, सबको पता है इन्होंने दो लॉ दिया था, एक का नाम था केसीएल जिसको बोलते किरचॉप्स करंट लॉ, और दूसरा केवीएल जिसको बोलते किरचॉप्स वोल्टेज लॉ। डन ठीक है सर, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ यहां पे केसीएल, यहां पे केवीएल। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या सर, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ के बारे में, केवीएल के बारे में, देखो ध्यान से क्या सर, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ। अब क्या बोलते हैं सर, ये होता क्या है सर, कहां अप्लीकेबल होता है सर, तो किरचॉप्स वोल्टेज लॉ, इन केस ऑफ क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो। क्या सर, कोई भी क्लोज लूप में जो है ना टोटल सम ऑफ वोल्टेज जो होगा ना, क्या होगा सर, ये ऑलवेज जीरो होगा। ओके यही चीज बोल रहा है, ये स्टेटमेंट है क्या सर, ये इसका स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्या सर, ये इसका स्टेटमेंट है साहब का, इस पे सब कुछ जानने वाले हैं, क्या क्या होता है, किस कहां से आया है सब बताऊंगा, डोंट वरी। ओके ये बोल रहा है सर, अब जब इस लाइन को पढ़ते हो ना, इस लाइन को पढ़ते हो ना, तो इसमें लगता होगा सर कुछ तो गड़बड़ है सर, कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत है क्या, इन केस ऑफ क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो। जीरो का मतलब समझते ही हो तुम लोग, वोल्टेज का मतलब पता ही है तुम्हें, सम का मतलब पता ही है, मतलब क्लोज लूप का मतलब तुम्हें शायद पता नहीं है सर, पता है क्या, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना सर। मैं पहली बार बेसिक इलेक्ट्रिकल समझ पाया, वो भी आपके वजह से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा। बस अभी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और नोट जरूर बनाइएगा आप लोग, ये जो नोट्स होगा ना वही आपका साथ देगा, मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि लेक्चर के बाद तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन नोट्स आपको हमेशा साथ रहेगा, उसको रिविजन करना है, जितना बार पढ़ोगे उतना बार चीजें लर्न करने को मिलेगा वहां से। जल्दी से बताइए, ये क्लियर है सर, क्लोज लूप नहीं सर, सबको क्लियर नहीं होगा, चलिए मुझे पता है, इसलिए मैं यहां पे दो चीजें बता रखा हूं, देखो ध्यान से क्या सर, एक का नाम मेस है, दूसरा का नाम लूप है, ईमानदारी से बताना सबको ये चीजें क्लियर था क्या, ये टॉपिक स्किप कर दो क्या, मैं जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, और सभी बच्चों तक रीच करवा दो सेशन को। देखो तुम लोग यही यहां पर बेईमानी कर ले दो, तुम लोग यहां पर बेईमानी करते हो जिसके वजह से तुम लोगों को ही घाटा होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है ना, लॉन्ग टर्म के बारे में तुम्ही को घाटा हो रहा है। जल्दी से बताओ क्या सर, मेस और लूप क्या होता है, मैं नहीं पढ़ा था इस टॉपिक को, स्किप कर रहे हो तुम, बोलते अरे सर कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं बेटा, हर एक इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है जहां पे आप फंस सकते हो। जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्या सर, ये प्यारा सर्किट दिख रहा है सर, अच्छा क्या दिख रहा है सर, एक वोल्टेज सोर्स लगा है, इसका नाम वी दे देते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, इधर रेसिस्टेंस आर वन दे देते हैं सर, इसका नाम आर टू देते हैं, बहुत बढ़िया सर, इसको आर थ्री कर देते हैं सर, कोई दिक्कत है क्या, इसको आर फोर कर दो, कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है सर, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, कुछ भी दे दो नाम कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेस क्या होता है,
कोई बोलेगा व्हाट इज मेस, खाने वाला मेस नहीं, जाके तुम खाना खाते हो, उस मेस का बात नहीं कर रहा हूं, वो होता है MESS, ये होता है मेस। तो ध्यान से थोड़ा खाने पीने का जब बात करे तो तुरंत तुम्हारा ध्यान चला जाता है, ये वाला मेस का बात कर रहा हूं। ये क्या होता है मेस सर? ये होता है इट इज अ क्लोज पाथ व्हिच डज नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ। क्या सर? ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर, देखो लिखा हुआ है इट इज अ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ जानते हो ना, जैसे सर जैसे ये देखो ये क्लोज पाथ हो गया ना सर, ये देखो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके खत्म हो गया, तो ये क्या हुआ सर? ये हो गया क्लोज पाथ, देखो यहीं से स्टार्ट हुआ था फिर यहीं पे जाके सर एंड हो गया, मतलब स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पे हो। जैसे देखो यहां से स्टार्ट करेंगे सर्किट को, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से, या ऐसे चलते चलते जाएंगे सर, ऐसे घूमते 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 फिर अगर यहीं पर आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे सर? ये एक बन गया क्या सर? ये क्या बन गया? एक मेस बन गया, और इसी को बोलेंगे क्या सर? मेस। तो यही बोल रहा है ऐसा क्लोज पाथ, इट इज अ क्लोज पाथ व्हिच डज नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ, उसके अंदर में कोई भी क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे ये मेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेस का डेफिनेशन क्लियर है सभी को? तो देखो सर एग्जाम्पल के लिए, देखो ए देखो बी देखो ई देखो एफ देखो, ये क्लोज पाथ बन रहा है सर। ए बी ई एफ दिख रहा है, ए बी ई एफ दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है कि नहीं सर? ये मजा नहीं आया सर, क्लोज पाथ सर दिख नहीं रहा है मुझे, मुझे सर इसका नाम चेंज कर दीजिए। लो इसका नाम चेंज करता हूं और अच्छे से दिखेगा, लिखो ऐसे, इसको ऐसे लिख लो, देखो क्या सर? देखो ध्यान से देखना भैया, क्या सर? ए इसके बाद बी इसके बाद ई इसके बाद एफ और फिर ए पे पहुंच जाओ, देखो अब बन गया। अरे अब बना क्या, अब बना क्या? देखो यहां से अब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं तुम्हें, रास्ता भी बना के दिखा दे रहा हूं, देखो रास्ता भी बना दे रहा हूं। कहां बनेगा रास्ता सर? रास्ता कहां बनेगा सर? रास्ता बनेगा यहां पे, सभी लोग देखेंगे मैं रास्ता बना रहा हूं यहां पे, देखो ये ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे सर, इसके बाद सर ये ऐसे और फिर से ये ऐसे, दिख रहा है सभी को ये चीज? रेड वाला दिख रहा है क्या? डॉट डॉट, रेड वाला दिख रहा है सभी को? डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया सर? ये पहला हो गया सर। दूसरा देखिए यहीं पे दूसरा देखेंगे सभी लोग, क्या होगा सर? देखो दूसरा क्या है सर? बी सी डी ई बी, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से ये, फिर सर इधर से ये सर इधर से ये, फिर सर ये देखो यहीं पर मिल गया, यहां से देखो यहां से मिल गया, ये देखो दूसरा बन गया, दूसरा बन गया, ये सही से दिख रहा हुआ, येलो वाला सही से दिख रहा हुआ तुम लोगों को, दिखा? मतलब सर, मतलब यहां पे कौन कौन सा बन गया सर? एक तो ये बना, दूसरा क्या बना? बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, अरे दिख रहा है क्या? यही दो मेस बनेगा, इसके अलावा कोई और मेस बन रहा है? मतलब कोई ऐसा और क्लोज पाथ है जिसके अंदर में कोई क्लोज पाथ ना हो? सर एक और क्लोज पाथ है, देखो सर आप ध्यान से देखो एक बार, ए देखो बी देखो सी देखो डी देखो ई देखो एफ देखो ए देखो, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ ए, क्या ये मेस है सर? मेस का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर में फर्दर कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको लोगे ना, इस वाले को लोगे, देखो इसके अंदर में ये है ना, अरे इसके अंदर में ये है ना, तो हो तो गया इसके अंदर, तो कहां से मेंस बन पाएगा? मतलब ये मेंस नहीं होगा, तो क्या होगा सर? आगे नीचे में डेफिनेशन लिखा गया, देखो ध्यान से, क्या सर? लूप। क्या बोलते हैं सर? लूप। देखो ध्यान से, लूप क्या होता है सर? इट इज ऑल्सो क्लोज पाथ, ये भी एक क्लोज पाथ होता है, व्हिच मे और मे नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो क्लोज पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो ध्यान से पढ़ो, यही हिंदी वाले यही समझेंगे, इट इज ऑल्सो अ क्लोज पाथ, ये भी एक क्लोज पाथ होता है, व्हिच जिसमें मे और मे नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ, उसमें हो भी सकता है, मे और मे नॉट का मतलब समझते हो, और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो सर यहां पर बात करेंगे, क्या सर यहां पर कितने लूप है, लूप के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले सर ये भी देखेंगे, ये क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ए बी ई एफ ए, देखो एक हो गया सर, ए बी सी डी ई एफ जो कि बड़ी वाली है, ये बड़ी वाली है सर कोई दिक्कत नहीं, ए बी ई एफ ए ये भी है सर कोई दिक्कत नहीं, बी सी डी ई बी ये भी है सर कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहां पे तीन, अगर बोला जाएगा ये जो सर्किट में कितना लूप है तो लूप का नंबर कितना है सर? लूप हो गया तीन, कौन कौन सा सर? ये तीनों नीचे दिख रहा है सर। अगर बोलेगा मेस कितना है तो मेस होगा दो, कौन कौन सा सर? एक ये और एक ये, देखो ध्यान से,
अरे क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ मेंस और लूप के बारे में समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। सर समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है बेटा बताओ जल्दी से, क्या दिक्कत है? सर कंफ्यूज ही कंफ्यूज है, क्या कंफ्यूज ही कंफ्यूज है, जल्दी बताएंगे, बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा ना, तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, लाइव हूं, इसलिए बोलता हूं लाइव लेक्चर में हो। बताओ कंफ्यूजन, बताओ जल्दी से, किसको किसको दिक्कत है, किसको किसको क्लियर हो गया, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे फर्दर, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से बताओ बेटा, बैठे रहने से नहीं क्लियर होगा, बोलोगे तब क्लियर होगा, जल्दी से। ये दोनों क्लियर है, मेस क्या होता है? यस सर क्लियर है। क्या सर? ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर में कोई क्लोज पाथ नहीं ही होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेस। अगर लूप का बात करेंगे सर तो लूप में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो सर मे और मे नॉट वाला केसेस है, और यहां पे एग्जांपल से मैं उसको क्लियर कर दिया हूं। डन है सभी को? सर मुझे मेस एंड लूप दोनों ही समझ नहीं आ रहा है, तो समझो तो यहां पर, यहां समझो तो बेटा, ये क्या नहीं समझ में आ रहा है ये तो बताओ। सर यू आर सुपर, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, क्लियर है सभी को? देखो बेटा तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, इस इतना बेहतरीन फॉर्म में मैं बता रहा हूं, क्या दिक्कत है वो भी नहीं बोल लो, बस सर मुझे दोनों नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलो तो सही क्या समझ में नहीं आ रहा, ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ, कैसे बताएगा ये बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें, कहां दिक्कत हो रही है, तभी तो आप मैं बता पाऊंगा ना, तुम ही लोग बताओ कैसे बताऊंगा ऐसे बच्चों को, ये ना ये पढ़ने वाला नहीं है, सच बता रहा हूं, इसको पढ़ना नहीं है, इसको नहीं समझ में आ रहा है बस। चलिए चलिए अब देखिए आगे, अब आगे ले चलते हैं। अब सर मेस और लूप में एक नोट यहां पे लिख लीजिए, नोट क्या है सर? ऑल मेसेज आर लूप बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब ये लाइन को समझना है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, ऑल मेसेज आर लूप, सभी मेस जो है ना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, सभी जो मेस है ना, हिंदी वाले सीखेंगे यहां पे, सभी मेस जो है ना, सभी मेस जो है, सभी मेस लूप हो सकते हैं, लूप हो सकते हैं, हो सकते हैं, देखो हो सकते हैं, हो सकते क्या हैं, सभी मेस लूप है, सीधा है, हाँ लिखो, हो सकते हैं नहीं, सभी जो मेस है वो लूप है, देखो ऑल मेसेज आर लूप, जितने भी मेस होंगे ना वो लूप होंगे, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा हूं, जितने भी मेस है लूप होगा, मतलब ये जो दो दिख रहा है ना मेस, ये पक्का लूप है, देखो ना लूप में ये दोनों का नंबर ऑलरेडी काउंटेड है सर, ये भी है जो कि ये वाला है, ये भी है जो कि ये वाला है, दिख रहा है, मतलब सर जितने भी मेस होंगे ना वो सारे के सारे लूप होंगे, लेकिन क्या सारे लूप मेस हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो सर, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ये क्या है सर, ये तो लूप है सर, क्या ये मेस हो सकता है? नहीं सर, बड़ी वाले का जब बात करते हो तो क्या होता है, इसके अंदर में भी लूप होता है सर, इसके अंदर में क्या मेस होता है सर, जब इसके अंदर में मेस होगा या क्लोज पाथ बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मेस कभी बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है, लूप का डेफिनेशन भी है, इसके अंदर में हो सकता है क्लोज पाथ, लेकिन यहां पे लिखा गया है इट इज अ क्लोज पाथ व्हिच डज नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ, समझ में आ रहा है, मतलब दुनिया के जितने मेस है ना उस लूप हो सकते हैं, लेकिन उसका जस्ट उल्टा करोगे ना वो स्टेटमेंट सही नहीं है, इसीलिए यहां पर यह लिखा गया है All messages are loop, but लेकिन it's vice versa, इसका जस्ट अगर उल्टा करेंगे ना तो always true नहीं है, इस बात को ये बता रहा है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये सर्किट में कैसे पहचाना, देख लिए ना बेटा क्लोज पाथ, देखो ना सर्किट में कैसे पहचाने क्लोज पाथ, देख लिए पॉइंट लिखा गया है एक ए पॉइंट, इसलिए तो बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, देखो ना कैसे कैसे रास्ता है, कितना रास्ता दिख रहा है तुम्हें, ये बताओ रास्ता क्या दिख रहा है, ये तो रास्ता ही है ना, यहीं से तो यहीं पहुंच के जाओगे ना, देखो ना इसलिए तो रास्ता बना दिया है बेटा, देखो ना ये रास्ता है सर, ये रास्ता है, ये रास्ता है, देखो ना यही रास्ता, दूसरा सर बोलेगा सर ये रास्ता है, यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से घूमते हुए, यहां से घूमते हुए यहां तक जाएगा, बोलेगा सर एक तो ये भी रास्ता दिख रहा है सर, बड़ी वाली रास्ता, मुझे ज्यादा घूमने का मन है, तीन ही रास्ता दिख रहा है, किसी को चौथा दिख रहा है क्या, किसी बच्चों को चौथा दिख रहा है इस क्वेश्चन में, दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो यही था लूप और यही था मेस। अब सर इसको याद करने का कोई ट्रिक बता दो सर, इसको याद, सर कंफ्यूजन होगा सर, ये ऑल मैसेज आर लूप है या और लूप आर मैसेज है सर, इसमें कंफ्यूजन होगा सर, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिए ध्यान से कैसे सर, कैसे इसको ऐसे लिख लीजिएगा घेरा बना करके ये, और इसमें लिख दीजिएगा क्या, इसमें लिखना है आपको क्या लिखना है सर, इसमें मैं बता रहा हूं ना क्या लिखना है, इसमें लिखना है एम, इसमें लिखना है एल, इसमें लिखना है ए, यह है एमएलए, क्या सर यह है एमएलए, एमएलए कौन सा, हमारे तुम्हारे गांव का एमएलए का नाम क्या है जल्दी बताओ, यह है एमएलए,
एमएलए वही एमएलए जो तुम समझ रहे हो। अब सर इसको याद करने का ये टैक्टिस है, इसको याद करने का टैक्टिस है, इसको याद करने का टैक्टिस क्या सर? यहां से स्टार्ट करना, जहां पे ये एमएलए खत्म हो रहा है ना लास्ट से स्टार्ट करना। नहीं बोलते हो, अरे तुम जहां पे खत्म करते हो ना वहां से तो मेरा सोचना स्टार्ट ही होता है। ठीक उसी तरह से ये है एमएलए, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरुआत करो, यहां से शुरुआत करो, यहां पे आओ और यहां पे आने के बाद यहां पे खत्म कर दो। देखो ध्यान से, मतलब सर मतलब ये हुआ यहां से स्टार्ट करेंगे तो ए फॉर ऑल, एम फॉर मैसेज, मतलब ऑल मैसेज आर लूप, बस इस बात को समझना है, ऑल मैसेज आर लूप। देखो ऑल मैसेज आर लूप, ये बस अपना टैक्टिस है याद करने का, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या सर जितने मैसेज है सभी लूप होंगे और इसका उल्टा जो है ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये तो याद ही रहेगा आपको, डन है। तो इसको याद रखिएगा, ये हमेशा याद रहेगा और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पूछेगा कुछ नहीं, पूछेगा ये सर्किट देगा इस तरह का सर्किट देगा और पूछेगा नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ लूप बताओ, दोनों भी पूछ लेता है बहुत बार, और कभी कभी एक ही चीज पूछेगा, नंबर ऑफ मेंस ही पूछेगा। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है एसएससी जेई आरआरबी जेई। डन डन डना डन है सबका। चलिए सर बेहतरीन, अब आते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि यही तो था, यही तो देखो पढ़ रहे थे, ये लूप आया बीच में, यहां पे लूप आया और लूप को समझ लिए, मेस को भी साथ में समझ लिए, क्योंकि दोनों मिलता जुलता भाई है सर। अब आते हैं केवीएल पे, ये देखो क्या सर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट हो ही गया था, इन अ क्लोज लूप टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो होगा सर। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए ध्यान से, अब क्या सर यही चीज यहां पे भी लिखा गया, इन अ क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछता है थ्योरी वाला क्वेश्चन में, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। ओके चलिए बहुत बेहतरीन, इसके बाद पूछ रहा है सर दिस इज एन इंटरकनेक्शन लॉ, यस ये क्या है सर, ये इंटरकनेक्टेड लॉ है। कैसे सर, ये देखो ध्यान से, देखो इस दोनों में कनेक्ट ही तो कर रहा है ना, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, दोनों कनेक्ट ही तो कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से बोला जाता है इसको सर, इट इज द इंटरकनेक्शन लॉ भी बोला जाता है, किसको सर केबीएल को, और सर क्या केबीएल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस देखो आपने पढ़ा होगा इससे पहले अपने बचपन वाले क्लास में, चाहे टेंथ में, नाइन्थ में, सेवेंथ में, एट में, या अभी तक जहां तक पढ़े हो आप, डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा का सिद्धांत, हिंदी वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे ऊर्जा का सिद्धांत क्या है सर, ऊर्जा को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो पैदा किया जा सकता है, न उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हिंदी वाले ऐसे पढ़े होंगे, इंग्लिश वाले कैसे पढ़े होंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वही चीज है क्या सर, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा सर केबीएल, ये भी याद रखिएगा क्या सर केबीएल जो है किस पे बेस्ड है सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूछता है बहुत बार एग्जाम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डन चलिए सर बेहतरीन, इसके बाद सर अब देखो ध्यान से क्या सर, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको मैं बोला हूं ना जहां पे तुम कंफ्यूज होकर सोचते हो ना वहां पे कृष्णा सर के चीजों को याद रखना, लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, इसलिए मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके देता हूं, जहां पर आप लैक करते हो मुझे पता है आप सोचोगे यहां प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, अरे सिंपल रखो ना यार, जनरलाइज करके सोचो ना, प्लस माइनस कुछ कर ही नहीं पाएगा एग्जाम में, और आप लोग वही सोच के बस रहा जाते हो और एग्जाम में क्वेश्चन गलती करते हो। देखो यहां पे जब भी आप अप्लाई करोगे केबीएल तो कहां मिस्टेक होगा ये मैं बता रहा हूं, व्हाइल अप्लाइंग केबीएल वी फॉलो सर्टेन रूल, ये मैं फॉलो करता हूं मैं बता रहा हूं सर, क्या यही रूल होता है, नहीं, ये टीचर बाय टीचर चेंज कर जाएगा, बहुत सारे टीचर इसको फॉलो करते होंगे, बहुत सारे टीचर इसका उल्टा भी फॉलो करते हैं, तो घबराना मत, कहां क्या होगा नहीं होगा सब बता दूंगा, तो टेंशन मतलब सर आपने तो कुछ और बताया था, कॉलेज वाले फैकल्टी तो कुछ और बताए थे सर, हम इस सर से पढ़े थे वो तो कुछ और बताया था, डोंट वरी सब सेम ही है, आंसर सबका सेम ही आएगा। डन देखो क्या सर, जब हम केबीएल अप्लाई करेंगे, मैं जब अप्लाई करूंगा ना तो इस रूल को फॉलो करूंगा, ये रूल है ये क्या सर, जब हम मूव करेंगे जैसे सर्किट में मान लो ऐसे मूव करेंगे, ये सर्किट है देखो ध्यान से देखना, ये सर्किट है सर, ये सर यहां पे ऐसे रहेगा सर, ये फिर से यहां पे लगा रहेगा रेसिस्टेंस सर, ये देखते रहना ध्यान से, यह है सर्किट, यहां पे वोल्टेज है 10 वोल्ट सर, यह है 2 ओम सर, यह है 5 ओम। डन ठीक है बेहतरीन सर बहुत बढ़िया, इसमें ऐसे मूव कर रहा है ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई मान लेते हैं, मतलब इसमें आई फ्लो कर रहा है सर, इसमें आई, तुम्हें पता होना चाहिए जो रेसिस्टर नाम का प्राणी है ना वो क्या करता है सर, ऑलवेज पावर को एब्जॉर्ब करता है और डिसिपिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट,
पता है ना, मतलब सर, मतलब ये एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब ये सर यहां पे हमेशा जो करंट इंटर करेगा वो प्लस से इंटर करेगा और माइनस से बाहर निकलेगा। इस बात को थंब रूल है, याद करके रख लो बेटा, ये कभी चेंज नहीं होगा। रेसिस्टर के केस में कभी चेंज नहीं होगा, रेसिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब करता है और डिसिपिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बता रखा हूं मैं, बताया हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जब भी करंट इंटर करेगा किसी रेसिस्टेंस में तो प्लस से इंटर करेगा और माइनस से लीव करेगा, ये डिफॉल्ट सा रूल है, ये थंब रूल है और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलती भी करते हैं। आज भी डालूंगा क्वेश्चन, देखना तुम लोग कितना दिमाग काम करता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। ठीक है सर, ये प्लस माइनस, तो यहां पर भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है सभी को, ये बताओ। यहां पर तो सर ऑलरेडी माइनस प्लस पोलरिटी में ही क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर, कभी दिक्कत हुआ ही नहीं सर इसमें, हुआ क्या नहीं ना सर, करंट ऐसे फ्लो करे तब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ उल्टा हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। यहां तक सबको क्लियर है, एक बार थंब दिखा दीजिए आप लोग, यहां तक डन है सभी को, अच्छे तरीके से डन है, तब मैं यहां बढ़ू, जल्दी बता देंगे सभी लोग। इतना डन है क्या सभी को? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब आओ इधर, अब आइए सभी लोग इधर। अब बोल रहा है सर, क्या सर, जब हम केबीएल में अप्लाई करेंगे तो हम ये रूल फॉलो करते हैं, क्या सर, आएगा पहले माइनस और प्लस, मतलब माइनस से प्लस की ओर मूव कर रहा है। सोचो तुम पहले टेस्ट में माइनस दो नंबर पाए, अगले टेस्ट में जाके प्लस एक नंबर पाए, मतलब माइनस से प्लस पे आ रहे हो। यस, माइनस से प्लस का मतलब क्या हो, इंप्रूवमेंट चल रहा है सर, मतलब माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हुआ ना। यस, जब ऐसा होगा माइनस से प्लस में, मतलब हमारा लेवल जब राइज करेगा, मेरा लेवल अप होगा सर, होगा ना। तुम जूनियर इंजीनियर बने, प्रमोशन हुआ, फाइव ईयर, सिक्स ईयर, सेवन ईयर तुम असिस्टेंट इंजीनियर बन गए, तुम्हारा प्रमोशन हुआ, मतलब लेवल अप हुआ, लेवल राइज हुआ। यस, अगर माइनस से प्लस होगा कभी भी इस सर्किट में मूव करते वक्त, किसी कोई भी डायरेक्शन हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ही ये माइनस से प्लस होगा मतलब राइज करेगा, मतलब वोल्टेज राइज करेगा, तो हम वहां पर पॉजिटिव साइन लेंगे। देखो ध्यान से, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चेंज हो रहा है, कुछ पॉजिटिव जिंदगी में हो रहा है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं। जैसे देखो ये पोलैरिटी होगा, ये माइनस ये प्लस, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे क्या लेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे हम। देखो साइन का बात कर रहा हूं, पॉजिटिव लेंगे। डन सर, चलिए सर, उल्टा भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। मैं क्या बोलूं, इसी में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यस, इफ करंट इज, देखो करंट कैसे फ्लो करेगा सर, ये प्लस है माइनस से, मतलब सर हम असिस्टेंट इंजीनियर है और डिमोशन हो जाए सर, जूनियर इंजीनियर हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है सर, लेकिन मान लो हो जाए, तुम्हारा पहला टेस्ट में मान लो 50 नंबर आया, दूसरे में 40 आ गया, कम तो हुआ, मतलब प्लस से माइनस की ओर गया सर, तो क्या हुआ सर, यहां पे ड्रॉप किया है, अपना लेवल ड्रॉप हुआ है सर, और जब लेवल ड्रॉप करेगा तो उसको वहां पे नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे और नेगेटिव साइन हम लेंगे, और अभी करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो तुम। ये क्लियर हो रहा है सभी को? रेसिस्टेंस ऑलवेज एब्जॉर्ब एंड डिसिपिएशन इन द फॉर्म ऑफ हीट। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ये डन है सभी को, ये डन है। अब जब ये दोनों डन है ना, तो ये भी याद रखना बेटा, क्या सर, टोटल वोल्टेज राइज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ये ऑलवेज इक्वल होता है किसी भी सर्किट में, क्या सर, जितना वोल्टेज राइज करेगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल करेगा, तभी तो बोलते हो केबीएल पे बेस्ट है, क्या सर, केबीएल, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ट है केबीएल, यही तो होगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू टोटल वोल्टेज राइज इन एनी सर्किट, जो सर्किट वैलिड है ना उसमें यह चीज होगा, और यह चीज होगा मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल हो रहा है, मतलब सर यह सर्किट वैलिड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी बताओ, यहां तक डन है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, जल्दी से बताएंगे, डन है सभी को? सभी को डन है। अब बात आती है यहां पर, क्या सर, यहां तक डन है, ये बताओ। अब एक बात और आती है, एक बात और आती है, यहां तक बता दो, सब कुछ क्लियर है? सब लोग बताओ भाई, दो लोग बताने से नहीं होगा, बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हो ना, कल जाके बोलोगे सर ने मेरा डॉट ही नहीं लिया, सर तो सुनते ही नहीं है किसी का क्लास में, जल्दी से बताओ, जल्दी से, इतना क्लियर है? अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, लास्ट बात है, इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, ये लास्ट बात है केबीएल का, ओके। चलिए ये देखो ध्यान से, केबीएल क्या सर, केबीएल डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, मतलब सर नेचर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या सर,
ये देखो ये रेसिस्टर लगा है, यहाँ पे इंडक्टर भी रहेगा ना, फिर भी वैसा ही लगेगा केवीएल। अगर ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे मूव कर रहे हो तो क्या साइन लोगे सर? प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, माइनस साइन लेके आगे मूव कर जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता, ये कैपेसिटर, ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे मूव करते तो सेम जैसे इसमें करते हो वैसे ही करेंगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये सर जो ये नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वही चीज लिखा है। देखो KVL does not depends upon nature of element, इस बात को भी याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। Then, ये तो हो गया सर, बेहतरीन फॉर्म में हो गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आप समझ गए ईमानदारी से तो इसका आंसर दे दो बस। क्या बोल रहा है सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट आई, दिख रहा है सर ये करेंट आई दिख रहा है सर, सभी को आई दिख रहा है, जल्दी से बता दीजिए आप, देखते हैं कितने लोगों ने सीखा है। अटेंडेंस तो मार्क किए नहीं हो तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। कृष्णा सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो कल तुम लोग बोल रहे थे ना सर 1999 में कोर्स करवा दो, अभी लास्ट वन वीक से यही चल रहा था। लो विश्वास दिवस आया, आपका विश्वास जीत लिया, 1499 हो गया है कोर्स का दाम। लो बोले ना, आप जो सोचोगे ना बेटा उससे कुछ बेहतरीन ही हम लोग हमेशा प्लान करेंगे, लेकिन आप लोगों को पेशेंस ही नहीं रहता, आपको लगता है अरे यार सर तू ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अरे तुम करो तो सही कुछ दिन यार, तुम रहो तो साथ, तब तो पता चलेगा ना, लेकिन करोगे नहीं, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने के लिए ना डेडिकेशन चाहिए होता है, डेडिकेशन अच्छा वाला डेडिकेशन, लेकिन बुरा काम करने के लिए कोई डेडिकेशन की नीड नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, वो अपने आप आ जाए। देखो पढ़ने के लिए लोग कितना कुछ करता है, अगर रात को पढ़ना है दिन को पढ़ना है तो कुर्सी टेबल पे पढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या तुम लोग सोर्स अपनाते हो, ऐसे पढ़ लेंगे जो पढ़ लो थोड़ा देर, लेकिन ये बताओ कभी मूवी देखने के लिए, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, कभी कोई टैक्टिस अपनाए, वो तो हो ही जाता है सर, रात का 2-3-5 कभी कभी सुबह भी हो जाता है सर, हो जाता है कि नहीं? कल पढ़ाई में ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना, यही होता है, यही डिफरेंस है। तुम्हारा डेडिकेशन क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब तुम पे डिपेंड करता है। तुम क्या चीज करना चाहते हो लाइफ में, तुम अपने आप को कहां ले जाना चाहते हो, ये सब तुम पे डिपेंड करता है। जल्दी से बताओ, 1.5 एम्पियर आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, देखो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। दो बच्चों का आया है, कृष्णकांत का आया 1.5, महेश का आया 5, गरिमा का आया 1.5। ओके, पीडब्ल्यू ऐप पे जाना पड़ेगा आपको, कोई भी बैच विजिट करना है ना, इसका पीडीएफ भी चाहिए ना, पीडब्ल्यू ऐप पे जाइए, वहां पे प्ले स्टोर पे मिलेगा पीडब्ल्यू ऐप। ओके, देखिए कुछ नहीं करना, कैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो अब हम रास्ता बना देते हैं, यही तो है रास्ता करंट का, ये सर करंट का रास्ता, ये रास्ता करंट का। क्या बोले थे? रेसिस्टेंस में जब भी डायरेक्शन पता करना करने के लिए बोले, चुपचाप यहां पे प्लस यहां पे माइनस कर देना, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, क्योंकि देखो ना यही डायरेक्शन है ना करंट का दिया हुआ है, ये तो दिया ही गया सर, ये तो दिया ही गया, यहां पे प्लस सर यहां पे माइनस, अब तो सर पता चल गया, घूम जाओ ना। अरे घूमने में तेज जो यहां से स्टार्ट करो, यही तो देखो ना, ये एक क्लोज लूप है ना, देखो क्लोज लूप है ना, है ना, यस सर, यहीं से घूमना स्टार्ट करो, फिर यहीं तक आ जाना। देखो चले सर चले, प्लस माइनस हुआ कितना सर 3, और वोल्टेज आए तो वोल्टेज को क्या, रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो करंट से, वही आएगा 3 × I हो जाएगा सर। ठीक है सर, प्लस माइनस क्या हो रहा है सर? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या सर? प्लस माइनस क्या सर? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब कौन सा साइन लेंगे सर? यहां पर माइनस साइन लेंगे। ठीक है सर, प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या लेंगे सर? माइनस, और ये क्या सर? ये 5 वोल्ट है, 5 ओम नहीं सॉरी 5 वोल्ट होगा, ये वोल्टेज है ना, 5 वोल्ट है सर। फिर यहां पे हो माइनस प्लस क्या सर? वोल्टेज राइज हो, देखो ना माइनस से प्लस वोल्टेज राइज कर रहा है सर, प्लस लेंगे सर प्लस 10 वोल्ट सर। ओके ठीक है सर, फिर सर प्लस से माइनस ड्रॉप कर रहा है सर, कितना सर? माइनस लेंगे 5 × कितना सर? आई सर, ये डन। ठीक है सर, अब फिर यहां पर माइनस प्लस राइज कर रहा है सर, प्लस कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट सर। फिर देखो यहां पे प्लस से माइनस कितना सर? माइनस हो जाएगा कितना सर? 2 × I हो जाएगा कितना सर? 2I। पहुंच गए ना यहां पे? यस सर, इक्वल टू क्या बोले थे? 0 होता है, यही तो था स्टेटमेंट। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, इन अ क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज 0, यही था ना? यस सर यही था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अब इसको कैलकुलेट करने किसको नहीं आता है मेरे भाई? देखो ये -3I -5I -8I हुआ, और ये -2I कितना हो गया? 10I हो गया ना, 5, 3, 8 और 2 तो कितना सर? -10I। डन सर, डन, बेहतरीन सर। ये देखो कितना, -5 और +10 कितना सर? ये हो गया +5 और यहां पे कितना है? +10 कितना सर? +15 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया सर। यहां से I का वैल्यू निकालेंगे सर, तो ये जाएगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा सर? -15 हो जाएगा सर, और नीचे में आ जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा भैया? 1.5 एम्पियर। दिस इज योर राइट आंसर। देखो ध्यान से, किसका आया था, किसका आया था, जल्दी बताएंगे सर। इसको डायरेक्ट वी इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट से भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे मैं सिखा रहा हूं केवीएल, तो मैं केवीएल के फॉर्म में सिखा रहा हूं। जब आपको सब कुछ सिखा दूंगा ना, तो कैसे भी सोल्व कर लो, जो मन में आए सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसी का एप्लीकेशन लेके इसको सिखा रहे हैं। इसको तो हजार मेथड है सॉल्व करने का। टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेसिस्टेंस कर दो, निकल जाएगा करंट का वैल्यू। ओम्स लॉ तो यही बोलता है, वो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग बेटा प्रियंका, चलिए डन है सभी को, सभी को डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है जल्दी बता देंगे। ये सब कुछ समझ में आ गया, मतलब मैं बोल सकता हूं केवीएल आपको समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है सभी को। जल्दी से एक बार थंब दिखा दीजिए सभी लोग, केवीएल ओके सर। कितना स्लो चल रहा है सब सर, कैसे पढ़े? स्लो चल रहा है पढ़ तो समझ, इसमें तो समझ नहीं पा रहे हो, अब फास्ट पढ़ाएंगे तो कैसे समझ में आएगा बेटा? ये इंपॉर्टेंट है ना जो समझ में आ रहा है। फास्ट और स्लो लाइफ में कुछ नहीं होता है। सोचो ना पहला अ आ ए बी सी डी कितना स्लो सीखे थे, उसके बाद तो धुआंधार बैटिंग किए सर। डन है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किरचॉप्स करंट लॉ का। ये देखिए ध्यान से, किरचॉप्स करंट लॉ जिसको आप केसीएल बोलते हैं, यस, ये किस पे बेस्ड है सर? वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब सर दोनों में कंफ्यूजन आएगा, एग्जाम में पूछेगा केवीएल बेस्ड ऑन, चार ऑप्शन देगा क्या सर? पहला ऑप्शन देगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा देगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा देगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चौथा देगा नन ऑफ दीज। तो सर कैसे याद रखेंगे? आज के बाद कभी मत भूलना, सुन लो ध्यान से। क्या सर? जब भी पूछे किरचॉप्स करंट लॉ, करंट का रिलेशन कहां से होता है सर? चार्ज से। करंट का रिलेशन कहां से होता है? चार्ज से। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा करंट नहीं आएगा सर, और करंट को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए सर? वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए सर, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सर। तो यहां पे एनर्जी नाम का चीज तो है नहीं सर। जब भी करंट का बात किया जाएगा तो चार्ज को याद करना और हमेशा याद रखना, ये बेस्ड होता है क्या सर? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। डन है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। टोटल इनकमिंग करंट जो होता है ना इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है, कि कहां पे सर? किसी एक नोड पे। ये देखो नोड ले लिए, ये नोड है सर, ये नोड है सर, ये नोड पे क्या सर? जितना इनकमिंग करंट होगा ना वो सब इक्वल होगा आउटगोइंग करंट का। मान लो इस पे कितना सर? इस पे देखो कौन कौन आ रहा है सर, ये आ रहा है सर, ये क्या सर? ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर, ये जा रहा है सर, ये जा रहा है सर, ये जा रहा है। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है किसी भी पार्टिकुलर नोड पे। जैसे ये एक नोड है, इसको दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, एट अ नोड द सम ऑफ टोटल करंट इज ऑलवेज जीरो। ध्यान से सुनिए क्या सर? एट अ नोड द सम ऑफ टोटल करंट, मतलब सर जब बात करेगा केसीएल का तो बात करेगा करंट का, जब बात करेगा वोल्टेज का तो बात करेगा केवीएल का। इस बात को ध्यान रखिएगा, और जब बात करेगा केवीएल का तो याद रखें क्या सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वहां पे बात करेंगे लूप का, मेस का, और जब बात करेंगे इसका तो इसमें बात करेंगे नोड का, इसमें बस केवल नोड ही आएगा। दूसरा आता है इस तरह का जंक्शन, जो मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आपको क्या सर? नोडल एनालिसिस, मेस एनालिसिस। टेंशन नहीं लेना, वहां पर नोड बताऊंगा, जंक्शन भी बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले ही बता दे रहा हूं आपको। मन में क्वेश्चन है, इससे पहले मैं सॉल्यूशन लेके तैयार हूं। डन है, डन है सभी को। चलिए सर अब आइए आगे। क्या सर? जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या रूल फॉलो करते हैं आप सर? ये देखो ध्यान से, मैं जो फॉलो करता हूं मैं बता रहा हूं आपको। जब भी मैं केसीएल अप्लाई करूंगा ना तो मैं कुछ रूल को याद रखता हूं, यही रूल मैं फॉलो करूंगा हमेशा सर। यही रूल होता है क्या? नहीं, इसके ठीक उल्टा जो चीजें होगा ना, इसके ठीक उल्टा वो भी रूल होता है, वो भी रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर देखो ध्यान से, ये एक नोड हुआ, ये देखो ध्यान से, ये एक नोड है सर, ये एक नोड है सर। इस नोड से जितने भी बाहर की तरफ, देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर, डायरेक्शन देखो ना, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी सब बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब सर जितने भी करंट इस नोड से बाहर की तरफ जाएंगे उसको हम माने क्या सर? पॉजिटिव वैल्यू। मतलब आउटगोइंग करंट जो भी होगा किसी नोड से अगर बाहर की तरफ जा रहा है, तुम बाहर कब निकलोगे घर से? जब तुम में एनर्जी रहेगा, तुम थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से रहोगे तभी तो निकलोगे ना। तो ये सर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब जब भी नोड से करंट बाहर की ओर जाएगा, मतलब ये आउटगोइंग करंट होगा जिसको बोलते हैं, इसको पॉजिटिव में लेंगे सर। और अगर सर किसी नोड पे आ रहा है तो, जैसे ये नोड है देखो, इस पे करंट आ रहा है, ये सब चल के आ रहा है सर, तो कब आएगा सर नोड पे? कब करंट आएगा? जब ये नेगेटिव सर, ये क्या है? इनकमिंग करंट मतलब आ रहा है, तो इसको क्या लेंगे सर? इसको हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू। अब कोई बोलेगा सर हम तो उल्टा पढ़े थे। बिल्कुल सही पढ़े थे, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा ही पढ़ा हो क्या सर? जो जा रहा उसको हम नेगेटिव लेंगे, जो आ रहा उसको हम पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, वो भी करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, क्लियर है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल का जो सम करोगे बेटा वो जीरो होना है सर। या देखो ना, या इसका एक और चीज लिखे हैं, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसको इस फॉर्म में ले जाओगे ये माइनस हो जाएगा, टोटल सम करोगे जीरो, खत्म। समझ में आई मेरी बात? अरे समझ में आई मेरी बात? ये बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे, समझ में आई मेरी बात? डन है सभी को यहां तक? अभी कोर्स वोर्स का बात बाद में कर लेंगे ना, अपन पढ़ लेते हैं ना, फिर जो भी कोर्स का डील सब पूछ लेना तुम लोग लास्ट में,
यहां तक समझ में आ गया, डन, सब कुछ बेहतरीन फॉर्म है। चलिए आइए अब इसमें भी देख लीजिए एक पॉइंट, केसीएल ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा लगा है, डायोड लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, रेसिस्टर लगा है, बीजेटी लगा है, ट्रांजिस्टर लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, ठीक है सर, देखो लगा भी दिए सर, ये एक नोड है सर, यहां पे क्या लगा, इधर इंडक्टर लगा दिए हैं सर, इधर डायोड लगा दिए हैं सर, इधर रेसिस्टर लगा दिए हैं सर, इधर कैपेसिटर लगा दिए हैं सर, इधर क्या सर, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिए हैं, देखो ध्यान से। और ये सब क्या है सर, ये आई है, ये आई एल है, ये आई डी है, ये क्या है सर, ये आई आर है। यहां नीचे में देखो, थोड़ा सही से लिख लो भैया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है टाइपिस्ट से, कोई बात नहीं। यहां पर क्या सर, ये आई आर है, देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर की तरफ मतलब नोड की ओर आ रहा है, ये नोड की ओर आ रहा है, ये सर बाहर की तरफ जा रहा है। देखो अब इस नोड पे क्या, इस नोड को मान लो N, एट नोड N अप्लाई KCL, अप्लाई कर दो KCL भैया, क्या हो जाएगा, टोटल इनकमिंग करेंट इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करेंट। देखो ध्यान से, तो इनकमिंग कौन कौन सा, इस पे आ कौन सा रहा है सर, आ रहा है ये वाला आ रहा है सर, और कौन सा आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है सर, और कौन सा आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है। तो ये क्या है, ये है आईसी, देखो आईसी लिखे हैं, ये क्या है आईडी, तो ये आईडी लिखे हैं, ये क्या है आईएल, तो आईएल लिखे हैं। इनकमिंग वाले को एक तरफ रख दिए सर, इक्वल टू का साइन लगाए, आउटगोइंग कौन सा है सर, आउटगोइंग वाले भैया, ये भैया जा रहे हैं सर, और ये भैया भी जा रहे हैं, ये है आईआर तो ये आईआर, ये है आईएस तो ये आईएस। देखो और सर इसको और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जो दूसरा था देखो ना, दूसरा क्या था सर, दूसरा था एट अ नोड द सम ऑफ टोटल करंट इज ऑलवेज जीरो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, देखो इसको ऐसे रहने देते हैं आईडी सर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस सर आईसी कर लेते हैं सर, प्लस सर आईएल कर लेते हैं सर, और इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा सर, माइनस आईआर, और यह क्या हो जाएगा, माइनस आईएस इक्वल टू जीरो। देखो अरे हुआ तुम्हारी बात सही, देखो ध्यान, देखो देखो देखो, कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं करेंगे सर, आप इसको इस तरफ क्यों ले गए, मैं नाराज हो जाऊंगा सर, आप इसको इस तरफ नहीं सर, इसी को इस तरफ लेके जाओ, लो लिख लो भाई कोई दिक्कत नहीं, आई आर प्लस कितना सर आई एस, इसी को इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस आई डी, फिर सर माइनस आई सी, माइनस आई एल इक्वल टू जीरो। इस दोनों में कोई फर्क है क्या ये बताओ, इस दोनों में कोई फर्क है क्या, इक्वल टू जीरो ही होना है बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो ना, यही हो जाएगा, फिर माइनस तो जीरो ही के इक्वल हो जाएगा ना, खत्म ना, तो कोई ज्यादा मतलब तो है नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। फ्री इज ऑल्सो गुड सेम टीचर पेड बैच में पढ़ाता है सर, एट द एंड ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट प्लीज प्रोवाइड द लिमिटेशन ऑफ द ऑल लॉ एंड थ्योरम बिकॉज सर मेनी टाइम्स टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग एजी एग्जाम। यस बिल्कुल बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं, और ऐसे नहीं करवाता हूं, लिखा के टाइमर लगा के सब बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, डोंट वरी ना। डन है सभी को, इतना क्लियर है सभी को, मतलब मैं ये बोल सकता हूं मेरे बच्चों ने केसीएल समझ लिया, मेरे बच्चों ने केवीएल भी समझ लिया, इतना मैं बोल सकता हूं क्या, कॉन्फिडेंटली सब लोग बोलेंगे जल्दी से। डन है केवीएल केसीएल दोनों की, नहीं है डन, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। केसीएल केवीएल दोनों डन है क्या, दोनों डन हो गया तो मैं चलूं अगले केस पे। डन है, डन है ना, चलिए डन डना डन, जल्दी से लिख देंगे कमेंट बॉक्स में एक बार, आ जाओ। अब देखो क्या सर, कोई भी नेटवर्क कोई भी सर्किट को वैलिड होने के लिए क्या चीज है सर, ये वैलिडिटी ऑफ सर्किट और नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क या किसी भी सर्किट को वैलिड होने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा सर, क्या चीज होना चाहिए उसमें, तब हम बोलेंगे ये सर्किट वैलिड है, ये नेटवर्क वैलिड है। डन, देखो सर पीजीसीएल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास कब लोगे, आएगा, जो भी कुछ लेंगे बताएंगे बेटा, अभी तो ये कर लेते हैं ना। अब आया केसीएल केवीएल समझ में, बहुत बढ़िया, चलो आओ। क्या सर कोई भी सर्किट या नेटवर्क वैलिड तभी होगा जब वो केसीएल सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पहले केसीएल केवीएल समझा दिए तब इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर सर केवीएल भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल बेहतरीन सर, मतलब केसीएल भी सेटिस्फाई किया, केवीएल भी सेटिस्फाई किया, इसके बाद और कुछ, यस सर और कुछ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन ऑल्सो सेटिस्फाइड, वो तो करेगा ही सर, जो ही केवीएल सेटिस्फाई करेगा तो केवीएल तो इसी पे बेस्ड है सर, क्या बात कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब केवीएल दिखेगा तो हो सकता है उस समय ये टिक ना करे, माइंड में क्लिक ना करे जो सर ये क्या होगा, इसलिए मैं लिखा हूं केवीएल भी सेटिस्फाई करना चाहिए, केसीएल भी सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन तो कभी फेल होना ही नहीं चाहिए, अगर फेल हुआ तो सर्किट नेटवर्क कभी वैलिड ही नहीं है,
ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में भी मैं बता रखा था आपसे, जहां पे पी एब्जॉर्बिंग पी डिलीवरिंग का कॉन्सेप्ट बता रखा था वहां पे भी और यहां पे भी। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ये तीनों लॉ किसी सर्किट में किसी नेटवर्क में अप्लीकेबल है, वैलिड है, तो वो नेटवर्क और सर्किट जो है वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड कहलाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, इफ एनी वन ऑफ देम फेल्स द नेटवर्क और सर्किट विल नॉट अ वैलिड नेटवर्क और सर्किट। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार मैं बता रहा हूं ये चीज, स्किप करते हो तुम, क्वेश्चन पूछता है इससे, देखो डन है। अब एक और बात, ये क्या सर, एक और बात, ये देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है सर, ये लिखा गया है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ नेटवर्क और सर्किट। यस, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था क्या सर, जो जब बिजली के तार पे जो है ना कोई पक्षी बैठता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है, सिंपल सी लॉजिक है सर। करंट को फ्लो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है सर, वो अगर फुलफिल कर जाएगा ना तो कहीं पे भी करंट लगेगा, नहीं फुलफिल करेगा नहीं करंट लगेगा सर, सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो। ये देखो ध्यान से, करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहां पे पता चलेगा क्या सर, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। यस, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो करवाना है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है, जब तक होगा नहीं करंट नहीं फ्लो करेगा, ये चीज ओम्स लॉ में बता चुके हैं सर, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स। यस सर, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, कहां से कहां करंट फ्लो करेगा भाई, अपने आप थोड़ा ना करंट डेवलप हो जाए, कहीं से तो करंट आएगा, कोई तो सोर्स होगा जो देगा इसको एनर्जी, लो बेटा एनर्जी लो, तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना मस्ट है सर, एटलीस्ट लिखा गया है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा सर। तीसरा क्या है सर, देयर मस्ट बी अ क्लोज पाथ। यस, क्या सर, क्लोज पाथ होना ही चाहिए, क्लोज पाथ एंड ऑल्सो रिटर्निंग पाथ, वहां से वापस आने का रास्ता भी होना चाहिए, अगर वापस आने का रास्ता नहीं है तो करंट कभी फ्लो ही नहीं करेगा, चाहे क्लोज पाथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ, आपने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा, इस चीज को ध्यान भी दिया होगा, नहीं तो अब सोच लेना, चोर चोरी तभी करेगा जब उसको वहां से भागने का रास्ता पता हो, अगर भागने का रास्ता नहीं पता है तो चोर पहुंच के भी चोरी नहीं कर पाएगा। अब तो देखो चोरी होना कम हो गया है, नहीं होता है, गांव में भी नहीं होता, तुम लोग गांव में रहते होगे ना, गांव में भी नहीं होता है चोरी, लेकिन पहले जमाने में जब चोरी होता था ना तो मतलब चोर वहां से पूरा रास्ता बना लेता था, जो अगर हम इसके घर में जाएंगे तो वहां से फिर वो सामान लेकर के वापस कैसे निकलेंगे, अगर वापस आने तक का रास्ता मिल गया तभी चोर वहां पर चोरी करता था, अदरवाइज चोरी नहीं करेगा। तो करंट में भी सेम चीज है, करंट तभी फ्लो कर पाएगा जब वहां से वापस आने का रास्ता हो, मतलब क्या, वहां पे रिटर्निंग पाथ होना चाहिए तभी जाके ये पॉसिबल है सर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। डन है सभी को ये चीजें, डन है तीन पॉइंट ये डन है। अब सर चिड़िया वाली बात क्या होती है सर, चिड़िया वाली बात यह होती है, मैं आपको बता रखा हूं करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, और ह्यूमन बींग, या सिंपल से बात है, ह्यूमन बींग का तो बात छोड़ी दो, तुम कहां जाके पकड़ोगे वहां पे तो बहुत सारा चीज लगता है। उसके बाद एक चिड़िया जब बैठती है ना किसी ट्रांसमिशन लाइन पे, किसी वायर पे जब बैठती है ना, तो वो उसके बॉडी का जो होता है ना रेसिस्टेंस, वो मेगा ओम के अप्रोक्सीमेट होता है, मेगा ओम किलो ओम में होता है, ओके इतना होता है। तो एक तो पाथ उसका बॉडी, मान लो ये वायर है, यहां पे चिड़िया बैठी हुई है सर, यहां पे मान लो ऐसे पौन लगा के यहां पे चिड़िया बैठ गई सर, यहां पे मान लो चिड़िया बैठी हुई है एक चिड़िया, ओके डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है। अब देखो यहां पे तो एक वायर यहीं से करंट फ्लो करेगा सर, अब इस वायर का रेसिस्टेंस क्या है सर, जीरो ही होगा रेसिस्टेंस सर, और इस चिड़िया का कितना है सर यहां पे, किलो ओम में और मेगा ओम में है सर इसका रेसिस्टेंस, और तुम्हें पता है करंट हमेशा कौन सा, लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, जिधर रेसिस्टेंस ना हो। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से क्या जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं सर, करंट केवल यहीं से चला जाएगा सर, देखो ध्यान से चला जाएगा, और जब ही क्लोज पाथ बनेगा, बना मतलब गया, तभी देखते हो कहीं कहीं जो वायर पे या कहीं पे जहां पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, जहां पे पोल रहता है ना, कहीं कहीं देखते हो बंदर भी वहां मरा हुआ है, कहीं कहीं पक्षी भी लटका हुआ रहता है। वो एक्चुअली में होता क्या है ना, बगल से जो अर्थिंग वाला वायर गया रहता है ना, न्यूट्रल वाला, उससे उसका पंख कनेक्ट हो जाता है, जैसे बंदर ने इसको भी पकड़ लिया जो मेन वायर है, लाइव वायर है, और न्यूट्रल वाले को भी पकड़ लिया, तो गया फिर गेम ओवर हो जाता है उसका। इसलिए तुम कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलता होगा, जो सर पक्षी लटका हुआ है सर, चला गया, गेम ओवर है उसका। तो इस सिचुएशन में वहां पे शॉक लग जाता है, अदरवाइज शॉक कभी लगेगा ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है सभी को, डन डना डन क्लियर है, कुछ दिमाग में खुल रहा है, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, जल्दी बनो, जली कि नहीं जली, जल्दी बताओ बेटा, वीडियो आराम से मिलेगा, टीम बना देगी, डोंट वरी, ओके वो बोल दिया हूं मैं, बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, डन है सभी को, इतना
डन। चलिए सर, ये तो सर डन हो गया सर, आगे बढ़िए। ये देखो ध्यान से, इसका आंसर देंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। पहले क्वेश्चन में कुछ करेक्शन कर दूं मैं, अब बनाओ क्वेश्चन जल्दी से। अब है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ये नेटवर्क N1 है सर दिया गया है सर, ये नेटवर्क N2 दिया गया है सर, ये नेटवर्क N2 दिया गया है सर, ये 6 वोल्ट, ये 3 ओम दिया गया, 2 ओम, 2 वोल्ट दिया गया, ये 5 वोल्ट दिया गया है सर। पूछ रहा है पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट इज क्या होगा सर, जल्दी बताओ। मेंटोस खो जिंदगी दिमाग की बत्ती जलाओ, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा सर, जल्दी से। परवेज भाई, इन केसीएल इंटरिंग चार्ज एट एनी जंक्शन और नेटवर्क इज इक्वल टू लिविंग चार्ज एट द जंक्शन, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या अंतर है? देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी के बारे में तो हम बता दिए, तो चार्ज के बारे में सूर्या मनीष बता दिया तुमको, बस वही बात है। जल्दी बताइए सभी लोग आंसर कितना होगा। अब देखो बेटा, मैं यहां पे जितना चीज पढ़ाया हूं ना, उससे बाहर कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, जितना बताया हूं उतना ही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला हूं, सबसे पहले यहां दिख रहा है रेसिस्टेंस, क्या बोला हूं, रेसिस्टेंस जो होता है ना वो क्या करता है सर, हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो ध्यान से, मतलब सर रेसिस्टेंस में ऐसे मान लो करंट जब भी फ्लो करेगा तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा सर, हमेशा ऑलवेज, मतलब ऑलवेज सर, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब देखो सर, ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, और ये तो सर क्या है, ये तो सोर्स है सर। अब देखो ध्यान, ये प्लस है ये माइनस, मतलब सर यहां पे अगर डायरेक्शन का बात करें तो ये क्या होगा सर, हमेशा क्या बोले रेसिस्टेंस है तो क्या प्लस से करंट इंटर करेगा सर, ये बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल सही है सर, इसका नाम I1 दे देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पर सर देखो, यहां प्लस इधर है तो इधर से करंट ऐसे फ्लो करेगा सर, ऐसे, दिस इज I2 नाम दे देते हैं सर, यहां पर तो कोई बात ही नहीं करना, कहीं से भी मान लो कोई दिक्कत नहीं सर, I3 हो जाएगा सर। ठीक ठीक है सर, चलो आओ। अब बोल क्या रहा है सर, बोला पावर डिलीवर्ड, इस बात को ध्यान सुनेगा, पावर डिलीवर मतलब सर, पावर डिलीवर कब होता था, जब प्लस से बाहर की ओर निकलता था तभी तो होता था ना, डिलीवर का मतलब क्या, प्लस टर्मिनल से बाहर की ओर जाना चाहिए करंट, मतलब सर, मतलब ये सर, ये इसका नाम I3 देना है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे समझ में, ये डायरेक्शन पता चल गया ना सबको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बात करते हैं, क्या सर I1, यहां पे करंट कितना निकलेगा, वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, कितना हो जाएगा सर V/R, कितना सर 2 एम्पियर। अरे होगा क्या, V/R ही तो करते हो, I बराबर क्या होता है V/R। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कितना सर, ये ऐसे ही तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, कितना 2/2, कितना सर 1 एम्पियर सर, 2 एम्पियर गया यहां पे, 1 एम्पियर इसमें चला गया, तो इसमें कितना जाएगा सर, क्या बोले हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फुलफिल होना चाहिए ना, जितना करंट जाएगा इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में उतना ही तो आएगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो यहां से यहां तक कितना आया, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 1 है, यहां से यहां से 2 एम्पियर आया, 1 एम्पियर इस रास्ते चला गया, तो इस रास्ते से कितना जाएगा, 1 ही एम्पियर जाएगा ना मेरे प्यारे, तो 1 एम्पियर I3 का वैल्यू कितना आ गया सर, 1 एम्पियर आ गया। ये भी पूछ सकता था आपसे, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और जब करंट निकल गया, जब वोल्टेज निकल गया, तो कितना घंटा लगाओगे पावर निकालने में, P बराबर क्या होता है सर, V/I, निकाल दो ना, इसी में तो पूछ रहा है, कितना सर 5/1, कितना सर 5 वाट। अरे क्लियर हुआ, दिमाग की बत्ती जली, जल्दी बताओ। राहुल बोले 28 लाख है, 22 लाख है, कौन है 6 लोग, अब वही सोचो बेटा तुम लोग, मतलब यहां इतना फैकल्टी एफर्ट लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच बता रहा हूं, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्यों नहीं पड़ता है मुझे नहीं पता, तुम लोग किस चीज को रिस्पेक्ट करते हो नहीं पता, इतना प्रीमियम कंटेंट तुम पूरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, इतना प्यार से, इतना मेहनत के साथ, इतना अच्छे से नहीं बताया जाता होगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए पढ़ने के लिए मुझे नहीं पता, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा करियर है, मैं हमेशा अच्छा ही बोलूंगा, मैं हमेशा आपको अच्छे ही राह दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है वही। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो, कैसे चीजों को गेन करना चाहते हो मुझे नहीं पता, लिटरली नहीं पता। कुछ बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या होगा आने वाले दिनों में दिख जाएगा, और जो बच्चे अभी भी वैसे ही चल रहे हो जाएगा, 22 में हो गया, 23 में भी हो जाएगा, 24 में भी हो जाएगा, वो चक्रव्यूह में फंस जाएगा, और चक्रव्यूह में इतना घुमा हुआ रास्ता है ना, नहीं निकल पाओगे बेटा, सच बता रहा हूं। तुम आज हमें गाली दोगे, इस चैनल को गाली दोगे, कल किसी और के गाली दोगे, परसों किसी और को दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होना,
और जो करने वाला होगा ना वो यहां से भी करके ले जाएगा, वहां जिसको गले दोगे वहां से भी करके ले गया था, और तुम जिसे जगह जाओगे वहां से भी करके ले गया था। इस बात को याद रखिएगा। डन है सभी को, ये क्वेश्चन डन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी से फटाफट से देंगे सभी लोग आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से। क्या सर? अरे केसीएल लगा दो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। जब भी करंट की बात करेंगे केसीएल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वोल्टेज का बात करेंगे केवीएल आएगा। सर ये सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर भी करवाते हैं क्या, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? सर्च मारना एक बार यूट्यूब पे जाकर के, क्या मारोगे सर्च पता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एसएससी जेई। अगर टॉप पे नहीं आया ना मेरा प्लेलिस्ट तो कल कमेंट बॉक्स में आके बोलना। क्या सर क्या लिखना है? सच बता रहा हूं, सभी लोग जाके सर्च करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एसएससी जेई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एसएससी जेई या जेई ए लिख देना, एसएससी जेई। अगर टॉप पे मेरा प्लेलिस्ट नहीं मिला तो कल आकर तुम बताना सर झूठ बोलते हो आप। यूट्यूब पे बात कर रहा हूं, यूट्यूब पे ये सर्च मारोगे मेरा नाम नहीं मत डालना, बस ये डालना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर एसएससी जेई, और अगर टॉप पे आ गया ना वीडियो देखना और उसमें कमेंट कर देना अरे सर क्या पढ़ाए हो सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बात कर रहा हूं। मजा आ जाएगा तुम्हें, टॉप पे आता है ये प्लेलिस्ट, अभी जाकर देख लेना। कितना सर? 2 एम्पियर कितना आ जाएगा सर? यहां पे दिख तो रहा है सर 4 एम्पियर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सब कुछ दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सब कुछ दिख ही रहा है। आई का वैल्यू क्या निकालना, ये दोनों गायब करना था मुझे, तुम लोग चोरी कर लिए यहां से देख करके। ये नहीं हो देखो, क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया गया था, क्वेश्चन में इतना ही डाटा दिया गया था। ये सॉल्यूशन जो लिखते हुए टाइपिस्ट सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। ये देखो कितना सर, ये 4 एम्पियर सर। अब देखो 4 एम्पियर यहां से आ रहा है और इस नोट पे बात करेंगे तो 1 एम्पियर इधर चला जा रहा है, तो इस तरफ कितना आएगा? 3 एम्पियर आएगा सर। अब 3 एम्पियर में दो रास्ता, इधर 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 कितना जा रहा है सर? 1.3, तो इधर कितना जाएगा? 3 - 1.3 तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू सर? 1.7 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। कितना सर? 1.7 एम्पियर इज योर आंसर। डन, चलिए बेहतरीन। ये बताइए जल्दी से आंसर इसका, जल्दी से बताओ। क्या सर? अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेसिस्टर इन पैरेलल विद वैल्यूज ऑफ 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। बेहतरीन सर। इफ अ टोटल करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्हाट इज द करंट थ्रू द 6 ओम रेसिस्टर? देखो ध्यान से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। अंकित प्रजापति नहीं आ रहा है टॉप पर सर, कोई बात नहीं। किस कितना पे मिला, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हो गया, टॉप से नीचे चले गए होंगे, अब टॉप पे नहीं रहे होंगे। लेकिन कल तक तो मैं टॉप पे ही था, बच्चा ही बोलता है सर टॉप पे आ रहा है, जो पढ़ रहा है वो मैसेज कर रहा है टेलीग्राम पे, सर मैं टॉप पे, आपका टॉप पे प्लेलिस्ट जा रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ। इसका आंसर बता देंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। क्या बोल रहा है सर? बोला सर्किट 3 रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे होता है पैरेलल में सर? ये सब पता है ना तुम्हें? हाँ सर ये सब तो पता है सर हमको, आप क्वेश्चन दो मैं आंसर दूंगा, लेकिन गलत दूंगा सर। देखो गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत बुरी बात है ये सब। कितना है सर? ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम। बेहतरीन। इसके बाद सर कितना सर करंट फ्लो कर रहा है इसमें सर? इसमें लोग करंट फ्लो करवा दो भैया, कितना करंट फ्लो कर रहा है सर? 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। देखो यही है ना सर्किट, इवर टोटल करंट 3 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर? तो पूछ रहा है सर इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये आई पूछ रहा है सर। इसका नाम I3 दे दो, इसमें I2 दे दो, इसमें I1 दे दो। अब ये बताओ कितना दोगे, कैसे करोगे भैया? क्या ये नहीं बताया हूं मैं? सर कैसे निकलेगा सर, पता ही नहीं चल रहा है सर, कैसे निकालोगे? क्या सोच रहे हो? कुछ सोचने दिमाग ही नहीं है सर, सोचेंगे क्या? इतना दिमाग दिया ही नहीं भगवान। 6 by 11 कोई 1 एम्पियर कोई, मतलब इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये बताओ इसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को? मतलब इतना बराबर है क्वेश्चन बता दिया लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है सर, निकाल लो ना भाई। I1 क्या सर? I2 I3 देखो ना, हम केवल I3 पूछ रहे हैं, हम I1 I2 I3 निकालना सिखाए थे तुम्हें। फिर सर कितना? 1/2, 1/ कितना? 4, 1/6, यही तो था। सबसे बड़ी नंबर को चूज करना था, 6 6 1 6 सब में आएगा नहीं आएगा? 12 करेंगे सब में आएगा, आ जाएगा सर, तो कर दो ना।
कब करोगे लेकर के? हथियार सब दे दिया हूं लेकिन चलाना नहीं आता सर, भूल गए सर चलाना, यही होगा एग्जाम में गेम ओवर हो जाएगा। ये कितना सर? ये 6। ये कितना सर? ये 3। ये कितना सर? 2। हो गया आंसर क्या? नहीं रुको जरा, कितना सर? 6, 2 और 3, 5। और ये कितना है? 11 सर। और इधर से कितना आ रहा है सर? 3 आ रहा है। अरे आ रहा है, यस सर। कितना हो गया ये? ये कितना हो गया सर? ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया सर, ये तो 11 हो गया सर। और इधर से कितना आ रहा है? ये 3 एम्पियर कहाँ आ रहा है सर? टोटल करंट सर कैसे करेंगे सर? अब तो सर हो ही नहीं पा रहा है। तो क्या बोले थे? ये कितना है सर? ये 11 में कितना है सर? 3। तो 1 में कितना हो जाएगा सर? 3/11 हो जाएगा। तो 3/11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 3/11 से मल्टीप्लाई कर दो। जब तुमको इजी वाला दिया था तो बन गया था, तो कितना मजा काटे थे। अब तो सर बन ही नहीं रहा। किस में पूछ रहा है सर? केवल इसमें पूछ रहा है। ये वाला कौन सा है? ये सर है ये। तो कर दो मल्टीप्लाई, जो आएगा आंसर आ जाएगा, डन डना डन हो जाएगा। देखो ध्यान से, कितना आएगा सर? 6/11 कर दो ना, सोल्व आ जाएगा आंसर। यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, इसमें जो करंट I3 तो पूछ रहा है, हो जाएगा आंसर डन। क्लियर? बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर दीजिए आप। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 रेसिस्टर इन सीरीज विद वैल्यूज ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम। बेहतरीन सर, दो दिया गया है सर। इफ अ वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट इज अप्लाइड टू द सर्किट, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर। ये देखो क्या दिया गया है सर। अब सर सीरीज में है रेसिस्टर, देखो ये पैरेलल वाला था, ये सीरीज में आ गया सर। ये ऐसे ही पूछेगा तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में। और कितना वोल्टेज अप्लाई है सर? वोल्टेज कितना सर? 9 वोल्ट अप्लाई है। ये अप्लाई कर दो ±9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट अप्लाई है। ये कितना है सर? ये है 3 ओम, ये है 6 ओम। और पूछ रहा है क्या सर? वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? ये V2, मैं V1 भी पूछ लेता हूं तुमसे, दोनों बता दो भाई, जल्दी से बताओ कितना होगा, कैसे करोगे? अरे VDR लगा दो ना यार, तुम लोग इतना लेट लगेगा। कितना हो जाएगा सर? ये तो पूछ रहा है। ये क्या होता है सर? सिंपली 6 अपॉन कितना सर? 9 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, 6 वोल्ट आंसर आएगा सर। इसका हो जाएगा कितना सर? 6 वोल्ट। इसका पूछेगा कितना हो जाएगा सर? 9 में से 6 घटा देंगे सर, कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। यही तो होगा ना, टोटल में से 6 ये यूज किया, 9 टोटल है तो 3 ये यूज कर लेगा बचा हुआ। यही तो करते हो तुम दो भाई हो या दो बहन हो ऐसे समझ लो, या एक भाई एक बहन मान लो। तुम्हारे पापा ने 500 रुपया दिए, 300 रुपया तुम्हारा भाई यूज किया या बहन यूज कर लिया, बाकी तो तुम ही यूज करोगे 200। तो डिफॉल्ट सी बात है सर। टोटल कितना है? 3 ओम 6 ओम। ये कितना यूज कर रहा है? 6 वोल्ट। टोटल है 9 वोल्ट, तो कितना यूज करेगा? जो बचा हुआ है 9 में से 6 घटा दो, 3 वोल्ट, डन सर। आया समझ? अरे आया समझ, डन डना डन है सभी को। तो ये था आज का क्लास, डन हो गया सर, खत्म। थैंक यू सो मच है। तो ये रहा थैंक यू सो मच वाला स्लाइड। क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज कितने टाइप का होता है सर, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है सर, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है सर, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सर, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन कैसे आता है, सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए आप लोग, डन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, सेशन कैसा लग रहा है, नोट्स जरूर बनाइएगा। बाकी ये PDF आपको PWF पे मिल जाएगा। और हाँ, जो भी बच्चे अशोका राज का पार्ट बनना चाहते हैं, वो सारे कोर्सेज पे ऑफर है, ऑफर लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड है, आपको पता है 1499 कुछ भी प्राइस नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसके अंदर, जिस तरह से उसमें फीचर्स दिया गया है, जिस तरह के फैकल्टी आपको डील कर रहा है सब्जेक्ट ना, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल होने वाला है, आपको मजा आने वाला है। और धीरे धीरे हम लोग फीचर्स अपग्रेड कर रहे हैं हर चीज का, आप देख ही रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।